नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ में आज श्रीमती सगुन सिंह, पत्नी विवेक सिंह, ग्राम जयनगर जिग्नी विकास क्षेत्र पलहना आजमगढ़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें प्रमाण पत्र के साथ 25,000 रुपये पुरस्कार दिया गया। ज्ञातव्य हो कि श्रीमती सगुन सिंह किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में DPMR विभाग में सीनियर प्रोथेसिस्ट के पद पर कार्यरत है, जिसमें विकलांग जन को कृत्रिम अंग व अन्य प्रकार का कार्य होता है। विकलांग जनों की सेवा में तत्पर रहती हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से विकलांग जन को सेवा प्रदान कर रही हैं। उनको राज्य पुरस्कार दिए जाने पर क्षेत्र व जनपद का नाम गौरवान्वित हुआ है। कार्यक्रम आयोजित किया था, आपने देखा होगा, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। ये कोरोना महामारी के कारण दुनिया की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे जो पैरालंपिक हैं उन्होंने टोक्यो में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अब तक का सबसे बड़ा दल, 56 खिलाड़ियों का दल पैरालंपिक में भागीदार बना। भारत ने 19 मेडल प्राप्त किए और प्रदेश सरकार ने मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को भारी पुरस्कार राशि से सम्मानित करने का कार्य किया। ये आयोजन मेरठ में पूरी भव्यता के साथ वहां संपन्न हुआ है। पैरालंपिक में सफलता इस बात को प्रदर्शित करता कि थोड़ा भी इन्हें प्रोत्साहन कर दिया जाए तो वे अपनी प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को भरपूर दे सकते हैं, और इसके लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर से आपके पास आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आई है कि सरकार हर प्रकार से आप सभी को हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया, विभाग के बजट को भी बढ़ाया।